Hello everybody and Namaskar. We are back again with another tip, and this time it's about a very commonly understood, rather should I say misunderstood at times, problem. It happens with women and it happens that causes a lot of distress. It's polycystic ovarian syndrome, or for that matter polycystic ovarian disease. इसको हम syndrome इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे organs को affect करता है. अब ये होता क्यों है? सबसे पहली बात, ये होता है बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल से एसोसिएटेड है. तो इट्स अ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर, बट इट हैपन्स ड्यू टू एबनॉर्मैलिटी इन द वेरियस हॉर्मोन्स विच आर रिलेटेड टू द वुमेन, एंड देयरफॉर इट कॉजेज दोज सिम्टम्स. नाउ इसमें जो होता है मेन जो अंडरलाइंग प्रोसेस होता है, उसमें जो आपके हॉर्मोन्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, और इस वजह से जो हार्मोन जो हमारे जैसे इंसुलिन हार्मोन है उसकी इनसेंसिटिविटी से होता है. इसमें इंक्रीज्ड एस्ट्रोजन होता है, इसमें आपका जो है एंड्रोजन एक्सेस हो जाता है. ये कुछ कुछ हार्मोन होते हैं जो इसमें ऊपर नीचे हो जाते हैं, और इस वजह से हमें सिम्टम्स होते हैं. अब सिम्टम्स क्या होते हैं? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और सिंड्रोम के सिम्टम्स होते हैं जैसे मोटापा, ईजिली लेडी का वेट पुट ऑन होता है, उनको वेट लूज करने में बहुत मुश्किल होती है, उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं यानी कि डिलेड हो सकते हैं. डिलेड से क्या मतलब है कि प्रोलॉन्ग्ड बढ़ जाते हैं. जहाँ 30 दिन में होते थे या 30 दिन के आसपास होते थे, अब वो 45 डेज, कभी 2 मंथ्स, कभी 3 मंथ्स लेट हो जाते हैं. और ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है इस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का. इसमें हेयर ग्रोथ इसलिए होता है क्योंकि एंड्रोजन एक्सेस होता है, जो मैंने आपको एक हार्मोन बताया, और उस वजह से चीक्स पे, टमी पे, सब जगह जो इंक्रीज हेयर ग्रोथ, जिसे हम हर्सिटिज्म कहते हैं. चौथी बात जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग है और दिक्कत देती है गर्ल्स में और बॉयज़ में भी, वो है एक्नी, या जिसे हम कहते हैं पिम्पल्स. पिंपल्स हो जाते हैं गर्ल्स में फेस पे, और वो भी इस सिंड्रोम में होते हैं. अच्छा, अगर ये बढ़ते जाए, और मैरिड लेडीज़ में क्या करता है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से अंडा जो है ओवरी का फूटता नहीं है और रिलीज़ नहीं होता है, तो वो परसिस्टेंट फॉलिकल बनता है, और अगर अंडा रिलीज़ नहीं होगा तो आप बेबी कैसे बनाएंगे? तो इसीलिए इन लोगों में फर्टिलिटी इश्यूज़ होते हैं, यानी कि कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है. अब इसका मतलब नहीं है कि ये ट्रीटेबल नहीं है, ये बिल्कुल ट्रीटेबल है. और सबसे अच्छी बात है, जो मेरे सारे पेशेंट पूछते हैं और जो हमें भी हम चाहते हैं कि बिना किसी दवाइयों के ये ट्रीट हो सकती है. अगर अर्ली पकड़ा जाए तो एक कैसे किया जा सकता है, लाइफस्टाइल चेंज करने से. तो सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंज कैसे करना है, आपने खाने में आपने कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं, जैसे चावल हो, आलू हो, ये सारी चीज़ें हमें कम लेनी है. फैट्स कम करने हैं, यानी कि तली हुई चीज़ें, फ्राइड फूड्स, और ये जो जंक खाना है ये हमारे लिए अच्छा नहीं है. जो फास्ट फूड जो हम लोग खाते हैं वो भी अच्छा नहीं है, इसलिए तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए. प्रोटीन ज़्यादा लें अपने खाने में. तो ये अगर हम ऐसे डाइट करेंगे तो हमारा वेट लॉस भी होगा, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको ट्रीट करने के लिए. दूसरा तरीका क्या है लाइफस्टाइल का? दौड़ना भागना मैं बोल रहा हूँ, मगर एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. दोनों डाइट से और एक्सरसाइज से अगर हम करेंगे और अपना वेट रिड्यूस करेंगे, ऑटोमेटिकली ये जो है हमें फ़ायदा देगा, और हमारे जो साइकिल्स हैं वो भी नॉर्मलाइज हो सकते हैं. अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज करेंगे. अगर आपकी इससे नहीं कंट्रोल में आते हैं तो दवाइयाँ देनी पड़ती हैं डॉक्टर को, जिससे ये प्रॉब्लम हमारा ट्रीट होता है. और एक्सरसाइज, डाइट का मतलब ठीक खाना खाना, स्मॉल मील्स खाने, बहुत ज़्यादा बड़े मील्स नहीं खाने, और उस थर्ड थिंग मैंने जो बोला वो दवाइयाँ. ये तीन चीज़ों से हम नॉर्मली पॉलीसिस्टिक ओवरीज को ट्रीट करते हैं. कभी कभी बहुत ही जो है कम चांस होता है, मगर इन तीनों से भी अगर नहीं हमारा ट्रीटमेंट हो
तो इसके लिए हम लोग एक टेस्ट दूरबीन की जांच करते हैं जिससे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। सो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ लेडीज़ के लिए काफ़ी डिस्ट्रेसफुल होता है, जैसे मैंने बोला पिंपल्स, हेयर ग्रोथ, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, एक्सेसिव वेट गेन और डिफ़िकल्टी इन कंसीविंग, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। और इसको हम जो भी है लाइफस्टाइल से और दवाइयों से ठीक कर सकते हैं और काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं इन मेथड से। तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलें, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलें और इसको डायग्नोज करवा के जितनी जल्दी हो सके आप एक अपने आप को लाइफस्टाइल से चेंज करें और इसको ट्रीट करें। मैं यहीं पे आज ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगे, कोई टिप फ़ायदेमंद लगे, तो ज़रूर अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करें, लोगों को बताएं। और आगे अगर आपकी कोई भी सवाल हो इसके बारे में तो हम आगे इसको और वीडियोस बना के या आपको चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको बेनिफिट हो, और अगर आपको बेनिफिट हो तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ये। और अगर कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो हमें लिखिएगा, हम उसका ज़रूर आपको उत्तर देंगे और जवाब देंगे। नमस्कार।